ये सारा दिन ये जब हम ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं सेंटर पे और राजयोग मेडिटेशन सीखना शुरू करते हैं फर्स्ट डे का फर्स्ट लेसन फर्स्ट लेसन की भी फर्स्ट लाइन और तब से लेके अभी तक वो जर्नी चलती है कि मैं आत्मा हूँ ये आत्मा है मैं आत्मा हूँ ये आत्मा है फिर आएगा नहीं मैं ये हो मैं वो ये है नहीं मैं आत्मा हूँ ये आत्मा है क्योंकि सोल टू तो सोल कनेक्शन एंड रोल टू रोल कनेक्शन आपने कहा ये नौकर है मैं मालिक हूँ ये रोल टू रोल कनेक्शन था okay. ये रोल है ना बिकॉज इस जीवन में हम बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं फ्रेंड टू समबडी ये हजबेंड टू समी ये फादर टू सम मालिक टू समन तो ये रोल्स है ना इतने सारे तो रोल से रोल को देखा पोजिशन से पोजिशन को देखा रिश्ते से रिश्ते को देखा जो कि हम बहुत जन्मों से करते आए हैं तो हमारा सोच और व्यवहार एक अलग तरीके का हो गया था बट सिस्टर सोल को कभी देखा नहीं है ना सोल को जानते हैं ना सोल कैसे लगता है वो भी नहीं मालूम है सडनली एक इमेजिन करना पड़ेगा कि तू सोल इमेजिन क्यों करना है हमें ये तो मालूम है ना सपोज जो आपके घर में आपके लिए काम करते हैं hmm. स्टाफ हुआ से तो वो आपको मालूम है कि वो एक जिस चलो हम आत्मा शब्द नहीं बोले हम ये कहते हैं नॉर्मल भाषा में ये है तो एक इंसान ना पहले hmm. ये कहते थे ना हम आज तक भी अभी हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो आत्मा है लेकिन जैसे अगर कोई नौकर से ठीक से बात नहीं करे ओके नहीं तो नौकर है ना हम कहेंगे पहले इंसान है ना तो इंसान इंसान से कैसे बात करे hmm. हम ये कॉन्शियसनेस में क्यों बात कर रहे हैं कि मालिक ड्राइवर से बात कर रहा है एक बड़ा छोटे से बात कर रहा है एक अमीर गरीब से बात कर रहा है कहते तो तो इंसान इंसान से भी बात करे तो क्या क्या राय देते थे कहते बेसिक इंसानियत से तो बात करो तो वो बेसिक इंसानियत क्या थी वो इंसानियत ये थी कि इस बैरियर को बीच में रख के नहीं एक दूसरे से व्यवहार करो ये क्या काम करता है हाँ क्या काम करता है या इसने कितना कमाया है मैंने कितना कमाया है दैट इज ऑल्सो बैरियर ये कितना पढ़ा है मैं कितना पढ़ा हूँ

Hmm. तो वो रोल टू रोल कनेक्शन में क्या हुआ हमारे इतनी सारी रोल्स इतनी सारी पोजीशंस इतना सारा कुछ जो हमने अक्वायर किया उसके कॉन्शियसनेस से कर्म करते करते रोल कॉन्शियस होते होते हम सोल की ओरिजिनल क्वालिटी से दूर होते गए क्योंकि अहंकार बढ़ता hmm. गया ईगो ईगो वाज़ ऑलवेज ऑफ पोजिशन ईगो इज वॉट आई अचीव्ड सपोज आप फिल्म एक्टर बाद में बने ठीक है लेट से आप थर्टी बने थर्टी okay? पहले के जीवन उससे पहले एंड उसके बाद कॉन्शियसनेस hmm. शिफ्ट हुआ राइट hmm. right? जब आप एक एक्टर बन जाते हैं उसके बाद आप जहां भी जाते हैं जिससे भी मिलते हैं आप कुछ भी कर रहे हैं वट डू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल वाह वावा भी और मुझे हर जगह पहले मुझे ये हर जगह ऐसा होना चाहिए मुझे ऐसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि मैं कौन हूँ तो उससे पहले भी तो हम थे तब तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना दूसरों से तो एक्सपेक्टेशन दूसरों से बिकेम बेस ऑन बेस्ड ऑन जो जो हमने अक्वायर किया इस जीवन में हम स्कूल में थे तो अभी हमने इतनी सारी डिग्रीज अक्वायर नहीं की थी तो hmm. हमारी एक्सपेक्टेशन या कॉन्शियसनेस लोगों से वो डिफरेंट थी तो क्लास के मॉनिटर so जो जो की ना अक्वायर करने में कुछ गलत नहीं था करना चाहिए और करना चाहिए सपोज हम पहले छोटे से एक वन बेडरूम फ्लैट में रहते थे आज हमारा पांच कमरे का एक बहुत बड़ा बंगला है प्राइम लोकेशन में शहर के एक मकान अकवायर किया लेकिन मकान अक्वायर करने के साथ अपनी कॉन्शियसनेस भी तो शिफ्ट हो गई व्यवहार भी तो शिफ्ट हो गया बात करने का तरीका ही चेंज हो गया लोगों के साथ कहाँ पहले झुक कर थोड़ा सा हलीमियत के साथ बात करते थे अब थोड़ा ऐसे करके बात करते मेरे सेक्रेटरी सिस्टर हाँ? जब हम एक कमरे में दो कमरे में फ्लैट में रहते थे तो मैं सुरेश अग्रा के घर से बोल रहा हूँ जैसे बंगले में आए मैं बंगले से बोल रहा रहा के उसका, ही तो, उसका टोन चेंज हो गया तू क्या कर रहा है बंगला बोलने में दूर होते गए विच वी नॉट नीड टू डू वी नीडेड टू अक्वायर अक्वायर भी करना था लेकिन अपनी सोच और व्यवहार को तो अपने ओरिजिनल के बेसिस पे ही रखना था ना अगर आप पोजीशन भी अक्वायर किया वेल्थ भी अक्वायर की स्टेटस भी अक्वायर किया फिल्म एक्टर भी बने नाम मान शान भी अक्वायर किया लेकिन अगर हम ये ध्यान रखते ये सब कुछ करते हुए लेकिन मैं हूँ तो आत्मा ना मैं हूं तो आत्मा तो वो आत्मा के संस्कार सेम रहते जो पहले थे वो ही अभी रहते किसी से हर्ट नहीं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किसी ने कुछ कह दिया सो इट डज मैटर क्योंकि अक्वायर मैंने किया लेकिन इंटरेक्शन में आते हुए मुझे ये याद है मैं आत्मा आत्मा से बात कर रहा हूँ दिस इज वेर हमारे से निकलती हुई जो एनर्जी थी वो चेंज जितना हम अक्वायर करते गए हम ऐसे हो गए गिव गिव रिस्पेक्ट अब मैं सो एंड सो हूँ अब मैं एक बच्चा है उसको यह सिखाया जाता है रिस्पेक्ट देना है एक बड़ा है उसको क्या सीख मिलता है सीख उसको मिलता है कि उसको अब रिस्पेक्ट लेना है मिलने वाली है मतलब जितने बड़े एज में पोजीशन में वेल्थ में एजुकेशन में होते गए हमारा मोड शिफ्ट हो गया फ्रॉम गिविंग टू टेकिंग आज सारा दिन में अगर हम चेक करें सिर्फ एक चेकिंग करनी है आज पूरा दिन कि सारा दिन में हम एनर्जी दे रहे हैं या, रहे। या एनर्जी मांग रहे हैं प्यार दे रहे हैं या प्यार मांग रहे हैं मांग मतलब ऐसे मांगने से नहीं बट सूक्ष्म रूप नीड सो एंड सो शुड गिव मी लव सो एंड सो शुड गिव मी रिस्पेक्ट सो एंड सो शुड गिव मी दिस ये मांग रहे हैं आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी देना देना है और वैसे भी अगर आप चेक करो ह्यूमन इंस्टिंक्ट भी हमें देकर अच्छा लगता है देने में ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन कहीं ना कहीं इस जर्नी पर हम देने से लेने पे शिफ्ट हो चुके हैं प्रकृति में हर चीज दे तो रही है हर चीज देती है हवा हवा दे रही है पेड़ जो है आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं हवा दे रहे हैं छाव दे रहे हैं फ्रूट दे रहे हैं फल दे रहे हैं मतलब पानी पानी प्याज बुझा रहे हैं। मतलब कौन सी चीज दुनिया में जो नहीं दे रही है एवरी इन नेचर एक्सेप्ट ह्यूमन बींग सेम नेचर है हाँ मैं ये तो कह रहा हूँ की सब कुछ दे रहे है एंड दे रहे है विदाउट एक्सपेक्टिंग तो तो गेटिंग सिर्फ देना है उसको मालूम ही नहीं कि उसको कुछ लेना भी है उसको यही मालूम है कि उसको सिर्फ देना है सपोज आज हम हम भी तो प्रकृति का हिस्सा है ना तो सूरज क्या मांग रहा है हमसे तो सिर्फ दे रहा है सब कुछ दे रही है चोर है पुलिस है छोटा है अमीर है स्टेटस भी नहीं देखता सबको क्यों और जड़ और चेतन को भी सब चीज पत्ते को भी उतनी लाइट दे रहा है जितना मुझे दे रहा है मतलब कितना सीखने को मिलता है which means, which means, सूरज एक कॉन्स्टेंट एनर्जी है जो कुछ नहीं देखता है कि कौन क्या है कौन क्या है मुझे कौन क्या दे रहा है नहीं उसका फोकस सिर्फ क्या है मुझे, क्या मुझे है? देना है इनरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए पानी क्या कर रहा है उसको देना है आपने कहा यह पेड़ क्या कर रहा है हमें दे रहा है हम इसको पत्थर भी मार सकते हैं हम इसको पानी भी दे सकते हैं लेकिन वृक्ष तो अपना ही काम करेगा ना छाए देने का वो ये नहीं देखेगा इसने तो आकर मुझे प्यार से थपथपाया था पानी दिया था और इसने तो आकर मुझे पत्थर मारा था नो इट ड नो अगर हम भी एक दिन के लिए अच्छा एक दिन भी नहीं एक घंटे के लिए उस तरह से बन जाए सूरज हमें क्या देता है लाइट देता है लाइफ देता है लाइफ देता है पावर देता है ना एनर्जी दे रहा है लाइट भी दे रहा है एनर्जी भी दे रहा है अब अगर हम भी सारा दिन सिर्फ लाइट और पावर दे सबको लाइट मतलब वाइब्रेशन देना है देना है जो भी मेरे सामने आए उसको देना है वो मुझे कुछ भी दे नहीं दे मुझे देना है कैन वी डू दिस एक्सपेरिमेंट फॉर वन आवर एक घंटे के लिए सिर्फ बस अच्छा देते देते सबसे पहले किसको मिल जाएगा okay. वो हमें मिलेगा दैट इज इंपोर्टेंट सो आज अगर हम ये रिलेशनशिप में सिर्फ ये इक्वेशन को चेंज कर ले वी सेड रिलेशनशिप्स मीन्स गिव एंड टेक दुनिया में कॉमन आपस में बात करते कहेंगे रिश्ते मतलब लेन देन गिव एंड टेक रिलेशनशिप्स मीन्स गिव एंड टेक बिजनेस मीन्स गिव एंड टेक देना भी मीन्स क्या देना भी मीन्स मुझे एक्चुअली लिटरली कुछ देना नहीं होता है लाइट की बात कर रहा देना मीन्स आई जस्ट सूरज क्या कर रहा है सूरज एक्चुअली दे नहीं रहा है सूरज दे नहीं रहा इट्स नॉट इवन गिविंग विद नो इट इज जस्ट देर रहा कि मुझे देना है तो वो दे रहा है जैसे फूल खुशबू देता, देता नहीं है, है। वो खुशबू उसकी क्वालिटी है, है तो वो खुशबू तो फ्रेग्रेंस तो फैलेगी हर जगह hmm. तो आत्मा को भी मुझे देना है मुझे प्यार देना है मुझे प्यार करना है नहीं आई जस्ट है यहाँ साफ है स्वच्छ है कोई मैल नहीं कोई किसी के बच्चा है। जो है स्माइल की जो है बात जो स्माइल बात छोटा बच्चा क्या है उसने अभी कुछ अक्वायर नहीं किया ना उसका तो अभी तक अपने शरीर के साथ भी उतना अटैचमेंट नहीं हुआ है और उसने जीवन में अभी कुछ भी अक्वायर नहीं किया वो अपनी उस इनसेंट सेल्फ पर है इसीलिए छोटा बच्चा प्योर स लेकिन अब वो छोटा बच्चा जैसे 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 एक एक चीज अक्वायर करता जाता है अक्वायर करता भी है हम सिखाते भी हैं। सिखा, हाँ, करके ही है ईगो डेवलप होगा ना एक छोटा बच्चा इगोलेस है छोटा बच्चा इगोलेस होता है तो दो तो मारना कंडीशनिंग तो जो हम पेरेंटिंग प्लस दुनिया बट ईगो विल गेट डेवलप्ड ओनली विदर्ड लेकर हम अपने एक एक अक्वायर्ड लेयर को हटाएं मैं एक्टर वो तो बाद में बना उससे पहले क्या था तीस साल पहले उससे पहले मैं किसी का हस्बैंड, अच्छा उसको हटाओ वो भी तो पच्चीस साल में शादी हुई ना उससे पहले मैं क्या था उससे पहले मैं किसी का बेटा अच्छा उसको भी हटाओ जब पैदा हुआ तब क्या था ये शरीर वो भी तो लिया उसके पहले में क्या था एक चीज अक्वायर किया लेकिन जितनी आती गई तो इतनी आ गई

सुंदर और खुशबू वाला ऑटोमेटिकली फैलेगा hmm. अब कब हम उससे ऑपोजिट में चले जाते हैं सिर्फ एक थॉट में कि मुझे अब दूसरों से क्या ले लेना है वी ऑफिन हिलेशनशिप्स मीन्स गिव एंड टेक इसीलिए हमने हमेशा उसी को कॉन्शियसनेस में रखा कि रिश्ते मतलब गिव एंड टेक लेना देना हिंदी में कहते हैं हाँ लेना देना और वो लेना देना कोई स्थूल चीजों का नहीं लेकिन वो फीलिंग्स और इमोशंस पर भी लेना देना हो गया मैंने इनके लिए इतना किया इतनी रिस्पेक्ट इतना ट्रस्ट इतना प्यार इतना सम्मान इन्होंने मुझे क्या दिया तो रिलेशनशिप्स मीन्स गिव एंड टेक मैंने इतना सहन किया मैंने इतना एडजस्ट किया मैंने इतना कोऑपरेट किया उन्होंने क्या किया तो विच मीन्स वी वर ऑलवेज लुकिंग एट इट इज रिलेशनशिप मीन्स गिव एंड टेक बिजनेस इज गिव एंड टेक बिजनेस में हम ये कह सकते हैं मैंने इतना दिया आपने कितना दिया एंड इट हैज़ टू बी बिल्कुल है सोने की दुकान में जैसा तोलते हैं ना इतने ग्राम पॉइंट जीरो 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 लोग आजकल गिफ्ट में देखते हैं मैंने यहाँ तक देखा ये गिफ्ट का है? नाम नहीं मालूम है क्या गूगल हाँ. गूगल खोल के उसके अंदर उसका गिफ्ट का नाम ढूंढने गे प्राइस ढूंढनेंगे अच्छा इतने का दिया था ओके परसों चलो इतने का हम रिटर्न करते हैं। वो फिर भी ठीक है वो फिर भी चीजों में था ना लेकिन मैं बोल रहा हूँ लेन देन में लेकिन वो फिर भी चीजों में था इसीलिए दोनों तरफ हो रहा है रिश्तों में भी। नहीं नहीं रिश्तों में भी वो पहले चीजों में था ना हुँ... कि मैंने आपको इतने का गिफ्ट दिया आपने मुझे इतने का गिफ्ट दिया मैंने आपको इतनी बार फोन किया आपने मुझे इतनी बार फोन किया मैंने आपको विश किया न्यू ईयर पे आपने मुझे न्यू ईयर पे विश किया वो फिर भी बाहर चीजों में था अभी तो उसको सूक्ष्म लेवल पर भी हो गया ना मैंने कितना एडजस्ट किया उन्होंने एडजेस्ट किया मैंने इतनी बार कहना माना उन्होंने कहना माना मैंने कितना ट्रस्ट किया उन्होंने किया मैंने कितना रिस्पेक्ट किया उन्होंने किया तो किस लेवल पर अब लेन देन होने लगा अब चीजों के लेवल पर नहीं था गिफ्ट्स के लेवल पर नहीं था सोशलाइजिंग के लेवल पर कर्टसी के लेवल पर नहीं था अब रिश्ते की एनर्जी एक्सचेंज के लेवल पर हो गया जब वो होने लगा तो अगर मैंने आपको इतना रिस्पेक्ट दिया इफ आई फील लाइक दैट कि मैंने इतनी रिस्पेक्ट दी और फिर मुझे लगा कि मुझे वहां से नहीं मिली तो फिर मैंने यहाँ से रिस्पेक्ट को क्या कर दिया रोक दिया ब्लॉक कर दिया अब जैसे ही मैंने यहाँ से जाती हुई रिस्पेक्ट को ब्लॉक कर दिया तो मैंने किसको ब्लॉक कर दिया मैंने mm -hmm. अपने यहाँ की क्रिएशन को ब्लॉक कर दिया जैसे ही मैंने यहाँ की क्रिएशन को ब्लॉक कर दिया तो सफोकेट कौन होगा पॉसिबल नहीं है समझो आप मेरे को स्टार हैं एक फिल्म में मैं एक दिन आपको हेलो बोलू और आप आ, ऐसे करें दूसरे दिन हेलो तीसरे दिन मेरा भाड़ में जाए मैं क्यों बोलू यार मैं बाजू कुर्सी लेके वेट करूंगा आपका क्यों मैं क्यों दू वो नुकसान किसका हुआ उसमें कोई नुकसान नहीं है इसमें नुकसान है जाओ उसको समझ में तो आएगा अगले को नुकसान किसका हुआ किसी का मेरा सब तो उस, नहीं है सपोज अब ये भी एक है कि हम क्या कर रहे हैं आज सारा दिन हम कॉपी कर रहे हैं जाके बेजती कराता रहो रोज नमस्ते जी वो बेजती है ये बेजती है ये कैसे भेजते जब बंदा अगला नहीं करना चाहता है तो आपकी क्वालिटी क्या है मेरी क्वालिटी है लव दो और जो बिल्कुल लव नहीं ले सकता अभी कुत्ते को मैं घास खिलाऊ ले सकता है कि नहीं वो नहीं हमें देखना हा? हमें देखना है हम दे सकते है घोड़े को ही खिला सकता हूँ वो ले रहे हैं कि नहीं वो नहीं देखना है हम दे रहे हैं कि नहीं वो चेक करना है सिर्फ आपने कहा ना सूरज का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है तो example सूरज अपना ही नहीं उसी को तो पकड़ना है सूरज अपनी किरणें दे रहा है आप अपनी खिड़की बंद कर रहे हैं तो वो थोड़ी देना बंद कर देगा हम पूरी खिड़की दरवाजे सब बंद करके ए ऑन करके ट्यूबलाइट ऑन करके बैठ जाते हैं वो थोड़ी अपना काम बंद कर देता है करना उसका काम लेकिन है एग्जाम्पल आपका ठीक है, है नहीं अभी लेकिन... उसी को उसी के साथ लेते हैं वापस आप कहीं एंटर किए ठीक है आप किसी को जानते हैं लेकिन उन्होंने आपको देखकर विश करने की बजाय या स्माइल एक्नोलेज करने की बजाय जैसे आपने कहा मुंह फेर के उधर चले मतलब इग्नोर ही कर दिया पूरी तरह से अब हमारे पास दो चॉइस है या तो हम जाके प्यार से बात कर लेंगे या हम उनको कॉपी कर लेंगे कि उन्होंने नई बात की ठीक है नई बात की नई बात मूड आता है कोई हमसे गलती हो गई है right. आपको विश किया आप नहीं वो जल्दी घबरा जाता है अरे यार सॉरी मैंने देखा नहीं नहीं माफ वो झूठ बोलने लगता वो है, क्यों है? क्यों वो क्यों ऐसा करते हैं क्योंकि वो ऐसा क्यों करते हैं दिस इज इज व्हाट इट वो, 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 वो कौ, गॉट कॉट ना पकड़ा गया आज के समय में हम बहुत ज्यादा जो कर रहे हैं हम एक दूसरे की वाइब्रेशन को और व्यवहार को कॉपी कर रहे है तो हम क्या कर रहे हैं हम अपनी ओरिजिनल क्वालिटी से नहीं करते जा रहे हैं हम उनको कॉपी कर रहे हैं राइट right. अगर हम दूसरों को कॉपी करते जाएंगे सिर्फ hmm. अगर आज दिन में मुझे पांच लोग मिलने हैं और पांच लोग मेरे से जैसा व्यवहार करेंगे मैंने अगर वो ही व्यवहार वापस कॉपी करना है तो ओरिजिनल पर्सनालिटी कहां गई इसमें ओरिजिनल पर्सनालिटी नहीं है सिस्टर मेरी ओरिजिनल पर्सनालिटी देखिए मैंने कई बार एक एक्टर एक था बड़ा सीनियर उसको बड़ी बार विश किया विश किया विश किया वो अपने पता नहीं किस उसमें कि आई एम so so, भगवान तो एक दिन क्या हुआ किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का था लोग थे काफी फोटोग्राफर्स थे चाहे वो अपने कप में चाय ले रहा मैं बाजू खड़ा अपना ले रहा मैं, मैंने उसको टोटल इग्नोर मारा फिर मैं अपनी चाय डाल के पीने लगा तो उसको वहां से दस कदम चल के आके हाई यू सुरेश उसको करना पड़ा ना हमारा एजेंडा जीवन का दूसरों को चेंज करना नहीं है दूसरों को सुधारना नहीं है दूसरों को परिवर्तन करना नहीं है दूसरों को ठीक करना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है वो करते 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 हम कहा से कहा पहुंच गए दिस इज सो इम्पोर्टेंट आपकी ओरिजिनल क्वालिटी है, respect नहीं है। आपकी ओरिजिनल क्वालिटी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर है ना हाँ। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर है तो सेल्फ रिस्पेक्ट मीनिंग कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है प्यार से बात करना आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ फॉर एबल टू टॉक स्वीटली टू एवरीबडी और मैंने जब प्यार से नमस्कार किया और जवाब नहीं मिला तो, उसने नहीं किया तो वो किसकी कमजोरी है तो एक बात वो किसकी कमजोरी है तो फिर कमजोर आदमी को नहीं मारना चाहिए ना हम मार थोड़ी तो रहे हैं। से दूरी रहेना चाहिए नहीं इक्वेशंस कितने सारे ऊपर नीचे हुए हुए हैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है अगर ईगो है आपकी तो आप वापस जाके प्यार से बात नहीं करेंगे क्योंकि आप हर्ट हो गए हैं जब उसने बात नहीं की अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स ये मेरी नेचर है ये मेरी नेचर है आपको जैसे करना है आप करो आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ मैं आपकी रिस्पेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं हूं उन्होंने बात नहीं की तो हमने फिर क्यों नहीं बात की क्योंकि हम हर्ट हुए जब उन्होंने ठीक से बात नहीं की ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया क्योंकि आपसे बात करते करते एक चीज और याद आई कि ये चीज तो फिर मैं सीखता गया और ये मेरी आदत फिर पक्की होने लगी हो गई जो करे तो कर, बात करो नहीं तो नहीं तो ऐसे हुआ कि एक दिन बहुत बड़े अवार्ड फंक्शन में हम लोग रिहर्सल्स के लिए जा रहे कर रहे थे मैं अपना रिहर्स कर रहा था मैंने देखा एक बहुत टॉप का म्यूजिशियन आ रहा था और मैं जा रहा था तो मैंने बोला यार फिर इसके साथ वो ही करूं और ये भी उसी वो एक्टर की तरह आलो बुलू नहीं करेगा फिर बेइज्जती होगी चलो मैं अपना रिहर्सल करके उसको मैंने इग्नोर कर दिया आया खड़ा हुआ वो आई एम सो कैसे हैं सुरेश ऐसा मैं शर्मिंदा हुआ मैंने बोला देखो आ? उधर से सीखा ये, ये आदमी खड़ा होके मिल रहा है दे? क्योंकि वो, अपनी सेल्फ, करने के वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में है वो आपके आपने उनको इग्नोर किया लेकिन आपका इग्नोर करने ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया सी सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स स्टेबल इगो मीन्स डिस्टर्ब आपने इग्नोर किया लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं हुए आपके इग्नोर करने से उल्टा मैं जब वापस आया तो खड़े होके मिले लेकिन क्योंकि वो अपने ओरिजिनल क्वालिटी में क्योंकि हम एक दूसरे को कभी मिले नहीं थे जानते थे राइट बट मेन चीज है अगर जब आप वॉक अवे कर देते और इग्नोर किया अगर वो उस समय डिस्टर्ब हो जाते मतलब ये तो मेरे से जूनियर है मैं तो सीनियर हूँ फिर भी मुझे विश नहीं किया ये ईगो ऑफ पोजिशन ये आने के बाद अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती तो वो विश नहीं करते बात करते करते मैंने अपने आप को रॉन्ग प्रूफ कर दिया ईगो मीन्स डिस्टर्ब डिस्टर्ब मीन्स बिहेवियर चेंज्ड। सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स स्टेबल स्टेबल मीन्स मेरा व्यवहार सेम रहेगा क्योंकि आपके पास वो पावर नहीं कि आप आकर मुझे डिस्टर्ब करें तो मैं अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी में रहूंगी वो उन्होंने करके दिखाया हम भी तो कर सकते हैं ना हर एक कर सकता है अगर सिर्फ एक आज हम चलो ये छोटा होमवर्क करते हैं गिविंग एंड टेकिंग भी आगे देखेंगे सामने वाले के व्यवहार को कॉपी नहीं करना है hmm. मतलब अगर नेगेटिव व्यवहार है उसको कॉपी नहीं करना है अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी ये नहीं उसने गुस्सा किया तो मैंने भी गुस्सा किया उसने रूडली बात की तो मैंने भी रूडली बात की उसने बात ही नहीं की तो मैंने भी बात नहीं की उसने विश नहीं किया तो मैंने भी विश नहीं किया टिट फॉर फॉटैट Hmm. क्योंकि बचपन से सीखा टिट फॉर टैट उसने ऐसा किया मैंने तो उससे भी ज्यादा करके दिखा दिया टिट फॉर टैट ईट का जवाब पत्थर से दिया ये जीवन ईट का जवाब पत्थर से देते 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 वो सारे पत्थर किसको लग गए क्योंकि जवाब हम जब पत्थर से दे रहे थे दूसरे को तो वो पत्थर से चोट सारी किसको हो गई कौन वेड हो गया कौन दर्द में है आज से ईट का जवाब प्यार से देना ये तो मैं अभी तक मानूंगा तो नहीं कोई बात नहीं ट्राई करके देखते हैं ना सुन लूंगा और ट्राई करूंगा ट्राई करके देखेंगे तो अगले एपिसोड में इस पे आपसे बात करूंगा